कि आप लोग देख सकते हो रेडी होके बैठा हुआ है और मेरे हस्बैंड भी हो गए हैं रेडी। तो अभी हम लोग नहीं, लेकिन वो सीट पे तो बैठता नहीं है क्योंकि अभी तो जितना बड़ा होगा बच्चा, इधर जब से हम यहाँ आए हैं यहाँ छाछ मिलना इतना मुश्किल हो जाता है, और जब घर गए थे देखो इधर खुश हो जाता है क्योंकि ना ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उस गर्मी में परेशान हो जाता है। ये देख सकते हो लड्डू को डाइपर पकड़ के खेल रहा है, जल्दी से मैंने इसके कपड़े वपड़े। तो गाइज आज हम लोग लड्डू के लिए ये वाला वाटर जो कि डांस करता है रिकॉर्ड करता है, आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, शाम को सैटरडे है क्योंकि संडे को मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं होता है जैसे कि, तो आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला, वो भी ये बोला था कि हम मूवी जाएंगे, फिर मूवी का सीन कैंसिल हो गया क्योंकि ना लड्डू अच्छे से रेडी नहीं हो रखा था तो वो सोया हुआ था, इसीलिए फिर हम मूवी नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा बाहर जाके आते कितने हफ्ते बाद, यानी कि अभी मैं 2 या 3 हफ्ते बाद निकल रही हूँ बाहर। सो लड्डू के लिए भी कुछ सामान लेना है, कुछ टॉयज वगैरह लेने हैं, इसके लिए चप्पल वगैरह लेने हैं, और जैसे कि मेरी रिंग लाइट है वो टूट गई है तो वो भी लेनी है, तो मेरे हस्बैंड आज मेरे को दिलाएंगे, शॉपिंग कराएंगे। और लड्डू भी रेडी हो गया है जैसे कि आप लोग देख सकते हो रेडी होके बैठा हुआ है, और मेरे हस्बैंड भी हो गए हैं रेडी। तो अभी हम लोग निकलते हैं, चलो लड्डू। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है इधर, हद से भी ज़्यादा हो गई है कहने का मतलब, दिन भर सुबह सुबह से हमारे घर में कूलर चल जा रहा है, और कब खत्म हो रहा है फिर कभी खत्म नहीं हो रहा है अभी बंद करके आऊं या क्यों? अभी बंद कर दो थोड़ा, उसको भी रेस्ट हो जाएगा ना, दिन भर मशीनी भी हुई तो। वैसे हमारे पास 2 कूलर है, एक हमने बाहर लगा रखा है और एक छोटा वाला है अंदर लगा रखा है, पिछली बार मम्मी आई थी तो मम्मी के रूम पे लगाया था वो वाला छोटा वाला कूलर, और बड़ा वाला कूलर हम यूज करते थे लेकिन आजकल हम अंदर ही इसको यूज कर रहे हैं, बाहर वाला कूलर कभी हमने ऑन ही नहीं किया क्योंकि वहाँ से कूलर के साथ गर्म हवा भी आती है, इसीलिए। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया क्योंकि 7 से ज़्यादा ऊपर हो ही गया टाइम, क्योंकि इससे पहले तो ये भी नहीं आ सकते हैं ना, इसीलिए उजाले में हम लोग मुश्किल से जाते हैं। क्या है ये, सांप चल रहा है ऊपर, यहाँ बहुत सारे सांप आते हैं। पर परसों क्या हुआ पता है, यहाँ पर के ऊपर कैसे चूहा आया था और तुम कैसा कर रहे थे? तो गाइस टाइम हो गया 7:24 और अभी हम लोग निकल रहे हैं, मूवी कोई साउथ की लगी है शायद, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे इस बार भी क्योंकि बच्चे के साथ नहीं हो पाता टाइम का, जैसे 7 बजे से तो हम 7 बजे निकले ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उसका भी टाइम है, इसीलिए। तो गाइस अभी हम लोग आए थे रिंग लाइट लेने के लिए, लेकिन रिंग लाइट लेने के लिए गए वहाँ मिली नियम है, तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। तो आज हम मोमोज खाएंगे बहुत टाइम बाद, पिछली बार तो मैंने घर में बनाए थे जैसा कि आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि मैंने घर में मोमोज बनाए थे, लेकिन ना घर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इनको टाइम भी नहीं है, और फिर मैं अकेले बना भी नहीं पाऊँगी, इसीलिए आज हम बाहर खा के जा रहे हैं क्योंकि मोमोज के बिना तो ज़िंदगी ऐसी लगती है बिल्कुल अधूरी है। देख सकते हो देखो, जैसे ये कारमा आता है ना वैसे इसके गाने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ बेटा जी, हाँ बेटा जी, तो हमारा बेटा बिल्कुल खुश हो जाता है क्योंकि ना ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उस गर्मी में परेशान हो जाता है, और बाहर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो तो गाड़ी में पता नहीं चल रहा है क्योंकि एसी चल रहा है, अभी बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कितनी गर्मी है करके, क्योंकि हमारे जो क्वार्टर है ना वहाँ तो मतलब अच्छा खासा ठंडा होता ही है, अच्छा रहता है अंदर, लेकिन बाहर आओ तो पता चलता है कितनी गर्मी हो रही है। बारिश ही नहीं हो रही है ना इस बार, बहुत प्रॉब्लम है, तो 2-3 दिन बाद बारिश दिखाई है वैसे, सो मतलब कि वेदर फॉरकास्ट में। सो गाइज फिर से हम लोग पहुंच गए हैं सिटी चौपाटी जहां हम हमेशा आते रहते हैं मोमोज वगैरह खाने के लिए, तो आज हम फिर से आ गए। देखो इधर मम्मा को देखो, हाँ। सो गाइज मोमोज वगैरह हमने पहले ही ऑर्डर कर लिए थे और स्टीम मोमो कर रहे थे तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, जल्दी से खा लिए हमने, और अभी ये भैया उठाने के लिए आए थे। अपना ले लिया ना। सो गाइज अभी हम लोगों ने पिज्जा पैक करा लिया क्योंकि लड्डू के पापा को यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा है गर्मी से, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम जा रहे हैं घर के लिए। और लड्डू का जो हमने लेना था इसके लिए हमने एक कैक्टस ले रखा है,
जब से हम यहाँ आए हैं यहाँ छाँस मिलना इतना मुश्किल हो जाता है, और जब घर गए थे इतनी छाँस थी, इतनी छाँस थी वो भी फ्री की, और यहाँ पैसे दे के भी छाँस नहीं मिल रही है। सब कुछ बहुत परेशान हो गए, हमें सूखा सूखा खाना पड़ रहा है, अब घर में ही बनानी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। दूध जमाएंगे, दही बनाएंगे, दही के बाद हम बनाएंगे मट्ठा, है ना लड्डू। अभी सही लग रहा है ये रेस्टोरेंट ना, और अच्छा भी हो गया अभी तो। अभी हम लोग थोड़ी बहुत सब्जी ले लेंगे, अभी रहने दें, कल ले लेंगे अगर टाइम होगा तो, कल आ पाएंगे नहीं तो नहीं, लेकिन अगर इतना टाइम होगा तो सब्जी लेने तो जा ही सकते हैं गेट पर, वॉक करते करते भी, है ना। देखते हैं क्या होता है कल को, अभी हम लोग सीधे घर ही निकल रहे हैं। लड्डू भी है, अब देखो मतलब कि हम निकले थे घर से 7:20 में और अभी 8:40 हो गया है, यानी कि 9 बजे तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे, मूवी भी खत्म हो जाएगी अभी तक तो, है ना बेटा। क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है यार बाहर, कसम से बहुत गंदी वाली गर्मी हो रही है। सो गाइज, अभी हम लोग घर पहुंच गए, 9 भी नहीं बजा, उससे पहले ही पहुंचे हम लोग घर, क्योंकि ज़्यादा काम था नहीं लड्डू के लिए। हम लोग ना दूसरा वॉकर लेके आए, हो क्या रहना, ये लड्डू ना क्या कर रहा है, उसमें कूद रहा है तो उसकी गद्दी निकल जा रही है, सो गद्दी को फाड़ दे रहा है कूद कूद के। तो उन्होंने बोला गद्दी की गारंटी तो अभी भी हम नहीं दे सकते, अगर ये कूदेगा तो फिर से ये 4 दिन में निकल जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे, अगर गद्दी वद्दी निकलती है फिर जाएंगे हम कहीं कहीं, मतलब जो बनाते हैं गद्दी वगैरह तो बनाएंगे, नहीं तो ये फिर से वैसे ही। उसमें कूदता है ना, एक्चुअली बात ये है कि उसमें चलता नहीं है, ऐसे उछलता है तो गद्दी फट ही जाती है उसकी। तो अभी लड्डू भी अभी इरिटेट हो गया था, अभी थोड़ा शांत। ये देख सकते हो लड्डू को डायपर पकड़ के खेल रहा है, जल्दी से मैंने इसके कपड़े वपड़े खोल लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अभी ओनली टी शर्ट पहना रखी है, थोड़ा खुला खुला छोड़ दिया, क्योंकि डायपर पहना होता ना थोड़ी देर बच्चे को बिल्कुल एयर में खुला छोड़ देना चाहिए, कुछ भी नहीं पहनाना चाहिए, उससे ना थोड़ा रैसेस भी नहीं होते, और वैसे भी अभी गर्मियों के टाइम है तो मैं डायपर पहनाती नहीं हूँ। और ये देख सकते हो यार, आज मैंने बेडशीट भी नहीं बिछा रखी है, क्योंकि ना शाम को जिस टाइम हम गए थे उसमें ना थोड़ी सी दाल गिर गई थी, तो मैंने बेडशीट उठा ली, तो अभी चेंज कर लूँ। लड्डू के पापा बोल रहे हैं कि आज पानी भी नहीं आया है तो कल सुबह प्रॉब्लम हो सकती है, और ज़्यादा पानी मत गिराना फिर आज, फिर सुबह क्या होगा, फिर बर्तन वर्तन कैसे धुलेंगे। हाँ यार, आजकल कूलर वूलर में भी लगता है ना, गर्मियों में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, और कपड़ों से भी बहुत जल्दी स्मेल आती है, कपड़े भी ज़्यादा धोने होते हैं। ठंडियों में तो थोड़ा बहुत चल जाता है ना कपड़े वगैरह, लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं, एक दिन में ही गंदे हो जाते हैं, एक दिन पहनो पसीना वसीना हुआ धो। और इनकी जो वाइट टी शर्ट है वो तो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है, इनकी वाइट ही चलती है इधर, और वो तो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो। फिर बच्चे के साथ तो कितने कपड़े होते हैं, अगर मैं सोचती हूँ कि आज बेड शीट नहीं धोनी है तो उसमें कुछ ना कुछ कांड हो जाता है, तो धोनी पड़ती है अगर थोड़ी सी भी सुसु कर ले, क्योंकि ना जब खुला छोड़ते हैं भले ही आप कितना ही भी सीट पे बिठा लें बच्चे को, लेकिन वो सीट पे तो बैठता नहीं है, क्योंकि अभी तो जितना बड़ा होगा बच्चा इधर जाएगा उधर जाएगा, मैं सीट बिछाऊंगी वो सीट में कभी भी सुसु नहीं करता, वो इधर उधर ही करता है। तो मतलब मेरे को ना हर 2 दिन में बेड शीट धोनी होती है, क्योंकि ना फिर स्मेल हो जाती है, तो क्या कर सकते हैं थोड़ी देर। वैसे मैंने उसके लिए अलग गद्दा बिछा रखा है, लेकिन रात को तो मैं उसको नीचे गद्दे पे नहीं सुला सकती हूँ ना, इसीलिए। तो वहाँ गए थे, हमने मोमोज खाए और हम लोगों ने कराया है पिज्जा पैक, जो कि हम अभी खाएंगे तो ठंडा ना हो जाए, क्योंकि लड्डू के पापा पानी यही है बस, और भी होगा इसमें। लड्डू कैसे देख रहा है वहाँ से पिज्जा की ओर, लेकिन बेटा आप नहीं खा सकते, आपको भी मन है, मेरे नंगू पंगू बेटे को भी मन है। गाइज, आज हम लोग लड्डू के लिए ये वाला वॉकर लेके आए और एक टॉय लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो कि डांस करता है, रिकॉर्ड करता है, आप लोगों ने देखी होगी इसकी बहुत सारी वीडियोस। तो हम लड्डू के लिए लेके आएंगे क्योंकि वो भी खेलेगा इसके साथ। गाइज, डिनर वगैरह तो सब कुछ हो गया है हमारा, लेकिन ना आज पिज्ज़ा बहुत बेकार आया था, मतलब कि ना पिज्ज़ा बेस पूरा जल गया था, तो पिज्ज़ा खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, तो हम लोगों ने वैसे ही फेंक दिया। पिज्ज़ा तो बहुत ही ज़्यादा बेकार था, तो जो हमने वहाँ मोमोज खा लिए थे उसकी वजह से ठीक है। और अभी देखते हैं कुछ बना लेती हूँ मैं खाने के लिए अभी, क्योंकि पिज्ज़ा तो हमारा पूरा ही वेस्ट हो गया है, सो देखते हैं अभी क्या करते हैं। तो तब तक मैं आप लोगों को कैक्टस ओपन करके दिखा देती हूँ, मैंने वैसे देखा नहीं कैसे यूज करना है उसमें, जो भी होगा। अभी लड्डू के पापा थोड़ा बाहर गए हुए हैं। तो गाइस, ये है कैक्टस, देखो लड्डू वहाँ से कैसे देख रहा है, अभी बेडशीट भी बिछा दी है। तो ये इसमें एक चार्जिंग का बटन दे रखा है, इसको मैं पूरा ही ओपन कर लेती हूँ एक बार, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख सकते हो आप लोग। हेलो हेलो हेलो, क्या कर रहा है?
लड्डू वहां से देख रहा है। क्या कर ले तू? देखा लड्डू आपने कैसा कर ले कैक्टस? हाँ ओए बोल ले कुछ। आप लोगों ने कैक्टस देख लिया होगा, अभी अभी वो ऑफ नहीं हुआ है तो मेरे को फिर से रिपीट कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है अगर बच्चा ना इससे बोलना भी सीखता है धीरे धीरे, और बहुत सही है ये। तो गाइज अभी और काम करते हैं और आज के ब्लॉग को ना यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल को संडे है और संडे को क्या होता है देखते हैं। वैसे बोले थे लड्डू के पापा बिजी हूँ करके, अब देखते हैं कल को टाइम होता है या नहीं तो कल भी ब्लॉग आ जाएगा, नहीं तो देखते हैं जब भी आएगा। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और आप लोगों ने ना मेरे को जो Q&A भेज रखा था, जो कि मैंने इंस्टा में डाल रखा था कि आस्क मी क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर मैं दो तीन दिन बाद दे ही दूंगी, क्योंकि ना मेरी जो रिंग लाइट है आप लोगों को जैसे कि पता है कि वो ख़राब हो गई है। आप जब तक वो नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास ट्राईपॉड तो है लेकिन बिना रिंग लाइट के वो काम नहीं करता, क्योंकि उसमें फ़ोन नहीं अटकता है, तो इसीलिए मैं आंसर नहीं दे पा रही। और यहाँ पे ना पीछे कूलर है, तो आप लोगों को क्योंकि हमने अंदर ही लगा रखा है, छोटा सा है ये देख सकते हो, ये छोटा कूलर है, बड़ा वाला कूलर बाहर है, तो बच्चे के लिए सही है, ज़्यादा ठंडा भी सही नहीं है ना, क्योंकि उसको वो हो जाएगा फीवर वगैरह हो जाएगा, इसीलिए हमने छोटा कूलर यूज करने हैं अभी। और फिर हम बंद भी कर देते हैं ताकि, क्योंकि बच्चे को ना कूलर वूलर का ठंडा बहुत जल्दी लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके करते हुए जाना। तब तक के लिए बाय बाय।